हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ड्यूल स्टार्टर जो होता है उसका क्या है कंट्रोल का और पावर का जो है वायरिंग डायग्राम है। मैं आप लोग को उसका वायरिंग डायग्राम और पावर डायग्राम जो होता है मैं आप लोग को बताऊँगा कि कैसे जो कनेक्शन होता है वायरिंग डायग्राम का और पावर डायग्राम का ड्यूल का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ पर जो है पावर का जो डायग्राम है, इसको आप लोग देख सकते हैं। पावर का जो है ये डायग्राम, पावर का वायरिंग का ये जो है डायग्राम है, पावर का वायरिंग है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, L1 है, L2, L3 है, थ्री फेज का है। तो L1, L2, L3 है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि पहले केबल जो है यहाँ से थ्री फेज जो है आ रहा है कहाँ पे, MCB में। ये जो है MCB में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक MCB लगा हुआ है। फिर MCB से डायरेक्ट ये क्या जा रहा है, OLR में जा रहा है, ओवरलोड रिले। ओवरलोड जो रिले होता है उसमें जा रहा है। फिर ओवरलोड रिले से ये जो है डायरेक्ट जो है L1, L2, L3 यानी मोटर का यहाँ से ओवरलोड रिले से निकल के कहाँ जा रहा है, मोटर में जा रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे UWV लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे UWV भी रहता है। पावर का जो वायरिंग होता है उसमें क्या होता है कि सिंपल सा क्या होता है कि केबल जो है थ्री फेज हम लोग लेते हैं, MCB में डालते हैं, CB में ही क्या करते हैं OLR को हम लोग लगा देते हैं, ये जो होता है अटैच रहता है। फिर वहाँ से OLR जो होता है ओवरलोड रिले के आउटपुट से हम लोग क्या करते हैं मोटर को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसका अगर हम लोग कंट्रोल देखेंगे तो कंट्रोलिंग जो होता है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे L1 है यानी सिंगल फेज में कंट्रोलिंग होता है। ये जो है नीचे जो केबल है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये न्यूट्रल का है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। वायरिंग जो कंट्रोल का होता है ये डिपेंड करता है कि हम लोग कितना जो है वोल्ट का कंट्रोल के लिए यूज कर रहे हैं, यानी 24 वोल्ट का कर रहे हैं या 110 का या 220 का कर रहे हैं या 12 वोल्ट का कर रहे हैं, जितना का हम लोग चाहिए उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं सिंगल फेज यहाँ से ले लेते हैं मेन। और न्यूट्रल जो होता है जहाँ ज़रूरत पड़ता है, जैसे कंट्रेक्टर पर A2 में पड़ता है, A1 में हम लोग क्या करते हैं सिंगल फेज डालते हैं। और इंडिकेशन लैंप वगैरह में जो लगता है आप लोग देख सकते हैं ये न्यूट्रल पूरा कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये L1 कहाँ पे आ रहा है, ये जो है ओवरलोड रिले में है। और 95-96 यानी क्या होता है कि कंट्रोलिंग जो स्टार्ट होता है अगर उसमें ओवरलोड रिले लगा है तो ड्यूएल जो है या कोई भी जो पंप होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है या कोई भी, तो उसमें क्या होता है कि कंट्रोलिंग का जो हम लोग केबल डालते हैं सबसे पहले OLR में जाता है। OLR में वो भी किस में जाता है, NC में जाता है। NC का जो टर्मिनल होता है उसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये OLR है, 95 और 96 नंबर NC है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है NC है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि जाके एक टर्मिनल पे इन होता है, दूसरा पे आउट होता है। 95 पे इन होगा और 96 पे आउट होगा। अब OLR में ये क्या होता है, NC होता है, यानी पावर हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं OLR में दे देते हैं। तो ये NC में क्यों देते हैं कि ये जो जब OLR जो है ओवरलोड रिले जो ट्रिप होगा तो ये N हो जाएगा, तो आगे सप्लाई नहीं जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये NC है, तो जैसे OLR ट्रिप होगा तो ये N हो जाएगा, तो पावर सप्लाई आगे नहीं जाएगा तो मोटर नहीं चलेगा। OLR से डायरेक्ट ये उठा के तो केवल आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे जा रहा है, स्टॉप बटन में। तो स्टॉप बटन में जा रहा है यानी यहाँ से पावर हम लोग दिए तो NC, ये OLR जो है NC है, तो यहाँ से डायरेक्ट पावर NC किस में आ रहा है, स्टॉप बटन, ये भी NC होता है, तो यहाँ तक आ रहा है यानी स्टार्ट बटन के पास आप लोग देख सकते हैं पावर आ रहा है। तो OLR से क्या होता है स्टॉप बटन में जाता है, फिर यहाँ से स्टार्ट। तो जब तक हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट बटन जो है ये क्या है, NO है, नॉर्मली ओपन रहता है। जब हम लोग इसको दबाते हैं तो ये क्या होता है, चालू होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तक पावर आ रहा है और इसके बाद में ये जो है ओपन है। तो हम लोग स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट होगा। कनेक्ट होगा तो ये जो है स्टार्ट पुश बटन से कहाँ जा रहा है, A1 टर्मिनल में। ये जो है कंटेक्टर का A1 टर्मिनल है, तो जो हम लोग कंट्रोलिंग में कंटेक्टर यूज कर रहे हैं उसका A1 में कहाँ से जा रहा है, स्टार्ट पुश बटन से। स्टार्ट पुश बटन से A1 में जा रहा है। और A2 में आप लोग को बताया ये जो है क्या है, यहाँ से A2 जो है ये न्यूट्रल जा रहा है, न्यूट्रल जाएगा क्योंकि कंटेक्टर में आप लोग को पता होगा A1 A2 क्या होता है। कंटेक्टर को ऑन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसमें सप्लाई देना पड़ता है। तो A1 में जो स्टार्ट पुश बटन से डायरेक्ट जा रहा है और A2 में यहाँ से न्यूट्रल, तो ये स्टार्ट करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। तो ये जो है स्टार्ट, यहाँ तो कंटेक्टर क्या होगा, ऑन होगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, होल्डिंग के लिए है। ये जो है स्टार्ट पुश बटन पता है आप लोग को क्या होता है कि अगर हम लोग उसको दबाएंगे तो क्या होगा, चालू होगा, फिर छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसी का होल्डिंग के लिए आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट पुश बटन का ये जो है पहले से एक सप्लाई दे के, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बाद वाला से ये जो है कनेक्ट किया हुआ है। क्या होता है कि जो स्टार्ट पुश बटन है
हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से क्या करते हैं कंट्रेक्टर का एक एनो टर्मिनल लेते हैं, एनो से ये जो है एनो का है, तो यहीं एनो में से क्या करते हैं ले जाके एक सप्लाई हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट पुश बटन का, पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टार्ट पुश बटन से सप्लाई से पहले ये जो है यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ताकि ये होल्डिंग हो जाए। होल्डिंग आप लोग को पता होगा कि होल्डिंग क्या होता है, होल्डिंग वगैरह के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग को अगर कुछ डाउट है तो उसको देखेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से होल्डिंग हो जाता है। अब रहा बात, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रन इंडिकेशन, स्टॉप इंडिकेशन, ट्रिप इंडिकेशन, लोग यहाँ पे क्या क्या देखें कि ये चालू कैसे हो रहा है, चालू कैसे हो रहा है आप लोग देखें कि ओवरलोड रिले से स्टॉप बटन में सप्लाई दे रहे हैं, फिर स्टार्ट बटन में दे रहे हैं, स्टार्ट करने के बाद A1 में जा रहा है, कंडक्टर ऑन हो रहा है, तो ये स्टार्ट का प्रोसेस हो गया। लोग को क्या करना है कि स्टार्ट करने के बाद में हम लोग को एक रन का इंडिकेशन लेना है। आप लोग देख सकते हैं ये X1 X2 है, तो X2 में कहाँ से हम लोग सप्लाई ले रहे हैं, N2 से यानी न्यूट्रल ले रहे हैं, X1 में हम लोग सप्लाई कहाँ से लेंगे ये देखना पड़ेगा। तो सिंपल सा है, हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग को स्टार्ट करेंगे उस टाइम में क्या होगा कि हम लोग को एक कमांड चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी कंडक्टर से जो कंडक्टर है उसका हम लोग एनो से एक क्या करते हैं एक टर्मिनल लेके हम लोग डाल देते हैं कि इसमें ये जो इंडिकेशन लैंप है उसमें, तो जैसे जो एनो है वो NC होगा तो हम लोग को पावर सप्लाई मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि इंडिकेशन जो है वो जल जाता है कि रनिंग है। हम लोग एनो से लेंगे तो आराम से ये जल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो एनो है इसी से लिया हुआ है यहाँ पे, तो ये चल जाएगा, तो रनिंग का हम लोग यहाँ से कनेक्शन ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टॉप इंडिकेशन, तो स्टॉप इंडिकेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं कि जब पंप बंद रहे तो ये क्या हो जाए इंडिकेशन जले, जब चालू रहे तो बंद हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग जो कंडक्टर है उसका एक NC पॉइंट लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है NC का पॉइंट है, ये एक NC है, तो NC का हम लोग पॉइंट लेते हैं, उस कंडक्टर का NC का पॉइंट ले देते हैं और उस इनपुट डालते हैं स्टॉप पुश बटन के जस्ट बाद से डाल देते हैं इसमें, यानी स्टार्ट पुश बटन से पहले इसमें सप्लाई देते हैं, क्योंकि स्टार्ट पुश बटन से पहले नहीं देंगे, स्टार्ट पुश बटन से बाद देंगे तो क्या होगा कि जब हम लोग स्टार्ट रखेंगे तो इसमें भी पावर आएगा, तो इसका जो इनपुट होता है कंडक्टर का जो NC पॉइंट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉप पुश बटन के बाद जो सप्लाई होता है वहीं से क्या करते हैं हम लोग एक सप्लाई दे देते हैं NC में, और NC से आउट ले लेते हैं। NC जो टर्मिनल है आप लोग देख सकते हैं, कोई भी टर्मिनल यूज कर सकते हैं NC का, तो यहाँ पे सप्लाई दे देंगे तो ये नॉर्मल क्लोज रहेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं NC है, दोनों क्लोज है, तो इस टर्मिनल से हम लोग को लाइट मिल जाएगा, यानी जब कंडक्टर ऑन होगा तो NC जो होगा वो क्या हो जाएगा NO हो जाएगा, तो नॉर्मल पोजीशन में अगर ऑफ रहता है तो हम लोग को क्या है सप्लाई मिलता रहेगा, यानी इंडिकेशन स्टॉप का जलेगा, जैसे कंडक्टर ऑन होगा तो ये ग्रीन जलेगा और ये जो होगा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये NC से लिया हुआ रहेगा, तो कंडक्टर ऑन होगा तो NO हो जाएगा, तो ये स्टॉप पुश बटन जो है जब हम लोग सप्लाई दे देंगे कंडक्टर में तो ये क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा, तो हम लोग को स्टॉप का इंडिकेशन मिल जाएगा, इसका मतलब पंप जब चालू होगा तो ये मिलेगा सप्लाई। अब हम लोग देखेंगे ट्रिप का इंडिकेशन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ट्रिप इंडिकेशन जो होता है हम लोग कहाँ से लेते हैं, ओवरलोड जो रिले होता है उसका NO पॉइंट से, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 97-98 जो है ये NO है, ये जो है NO है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओपन है, तो ये जो है ओपन है मतलब जब रिले जो होगा ट्रिप होगा तो ये NC होगा, आप लोग देख सकते हैं ये जो NC है, तो NC से हम लोग इसका कनेक्शन किए हैं, तो जब ये NC है अभी जब रिले जो होगा ट्रिप, तो रिले जब ट्रिप होगा तो क्या हो जाएगा ये NO हो जाएगा, यानी इधर का सप्लाई बंद हो जाएगा और ये जो होगा चालू हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये NC है तो NO हो जाएगा, यानी इधर सप्लाई नहीं आएगा, फैन ये पंप जो होगा बंद हो जाएगा, वहीं सप्लाई किधर से आने लगेगा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ये NC जो है ये NO जो है NC हो जाएगा, तो ट्रिप इंडिकेशन जल जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं जो रिले का NO पॉइंट है, जो रिले जो होता है उसका ओवरलोड रिले जो होता है उसका NO पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं ये ट्रिप इंडिकेशन ले लेते हैं कि जैसे ट्रिप होगा तो ये NC हो जाएगा और चलाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोग न्यूट्रल ले लिया और ऊपर से जो है हम लोग को फेज मिल रहा है तो इंडिकेशन जल रहा है, और इसका सप्लाई आप लोग देख सकते हैं हम लोग ओवरलोड रिले में जो सप्लाई दे रहे हैं मेन जो हम लोग L1 दे रहे हैं या कोई भी फेज से जिससे हम लोग रिले में कनेक्शन कर रहे हैं यहीं पर ले रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं रिले का इनपुट से ले लेंगे उससे पहले ले लेंगे, लेकिन हम लोग रिले का जो NC पॉइंट है उसके बाद नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये NC है, तो जब ये NO होगा तब इसमें पावर आएगा, अगर हम लोग यहीं सप्लाई अगर यहाँ से ले लेते हैं मान लीजिए यहाँ से लेते हैं तो जैसे रिले ट्रिप होगा तो ये NO हो जाएगा, तो इसमें भी पावर नहीं आएगा, तो ये हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि ये ओवरलोड रिले से पहले जो सप्लाई होता है उसको हम लोग लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जो है पता चल गया होगा कि इसमें पावर का जो डायग्राम है और ये जो है हमारा कंट्रोल का डायग्राम है DOL के कैसे बनता है। अगर आप लोग को इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।